हेलो दोस्तों, आज के वीडियो जो है ब्लूटूथ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लूटूथ से फोटो कैसे भेजें, या फिर ब्लूटूथ से किसी भी फाइल को शेयर कैसे करें, या फिर ब्लूटूथ से अपने मोबाइल फोन में फोटो कैसे मंगाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा, प्रॉपर तरीका सीखेंगे तभी समझ में आएगा। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था भाई मेरा तो लैपटॉप से मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मोबाइल के बारे में बताऊंगा, लैपटॉप मोबाइल से लैपटॉप में ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करें और ब्लूटूथ से लैपटॉप में फोटो कैसे भेजें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राम और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास ये जो है दो फोन है, और एक है रेडमी नोट 9 10 लाइट एंड एक है सैमसंग गैलेक्सी टैब। ठीक है, तो हम जो है इसमें से इसमें भेजेंगे, यानी कि रेडमी से हम सैमसंग में भेजेंगे, पूरा प्रॉपर तरीका सीखेंगे दोस्तों। तो आप किसी में मतलब अपने मोबाइल से लैपटॉप में भी फोटो शेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। तो मुझे ये वाली शेयर, ये जो फोटो है मुकेश अंबानी की फोटो जो है, मुझे ब्लूटूथ से शेयर करनी है। तो हमें क्या करना है, देखिए सामने नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा फोटो है, फोटो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक शेयर का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे कई सारे ऑप्शन आपको पहले से दिखाई दे देंगे, वैसे एक यहाँ पर एक नया ऑप्शन है नियर बाय शेयर। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग नियर बाय शेयर का इस्तेमाल करके और अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फोटो भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो पर टॉपिक पर कंसिस्टेंस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं नीचे की साइड में हमें जो है ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन हमें नीचे की साइड में मिल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। हमने फोटो पहले सेलेक्ट कर लिया, शेयर पर क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली हम ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करेंगे तो पहले बोलेगा यहाँ पर कि टू यूज ब्लूटूथ सर्विसेस यू मस्ट फर्स्ट टर्न ऑन ब्लूटूथ नाउ। मतलब क्या है, ब्लूटूथ से फोटो शेयर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। टर्न ऑन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो ब्लूटूथ है वो यहाँ पर टर्न ऑन होने लगेगा। देखिए यहाँ पर चूज ब्लूटूथ डिवाइस बोल रहा है और यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, यानी कि पहले से जो है अगर हमारे पास आसपास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस होगा तो यहाँ पर ये दिखाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर दूसरे मोबाइल में हमने जो है ब्लूटूथ ऑन नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले इस मोबाइल में हम जो है ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम जाएंगे यहाँ पर जो है सेटिंग में, पहले हम जाते हैं सेटिंग में जाएंगे एंड उसके बाद से यहाँ पर देखिए सामने ही हमें मिल जाता है ब्लूटूथ। यहाँ पर ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ आ जाएगा। ये सैमसंग टैब का ब्लूटूथ का सेटिंग है, टर्न ऑन ब्लूटूथ टू सी अ लिस्ट ऑफ डिवाइस यू कैन पेयर विद आर होम ऑलरेडी पेयर विद। ओके, तो यहाँ पर हम टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये मेरे लैपटॉप का जो है ब्लूटूथ दिखाई दे रहा है। खैर, मुझे लैपटॉप में अभी शेयर नहीं करना है, अपने जो है मोबाइल में करना है रेडमी वाले में। तो हम क्या करेंगे, अब हमने जो है ये वाला जो मतलब मेरे सैमसंग टैब का जो ब्लूटूथ है वो मैंने ऑन कर दिया है, और अब हम जो है यहाँ पर अपने इस फोन में आ जाते हैं। तो जैसे हमने इस फोन को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए गैलेक्सी टैब A2016 दिखाई दे रहा है। हमने उसमें मोबाइल में हमने टैब वाले में ब्लूटूथ ऑन किया तो यहाँ पर दिखाई दिया गैलेक्सी टैब A2016। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंडिंग टू फाइल गैलेक्सी टैब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें एक मैसेज प्राप्त हुआ है दूसरे फोन में, यानी कि सैमसंग के फोन में, फाइल ट्रांसफर फ्रॉम रेडमी नोट 10 लाइट, और फाइल का नेम भी दिखाई दे रहा है, ये हमारे फोटो .jpg एंड साइज भी बता रहा है कि कितने साइज का फोटो है। तो हमें यहाँ पर सिंपली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फाइल विल रिसीव चेक, फाइल रिसीव हो गया है, यहाँ पर दिखा रहा है रिसीव कहाँ हुआ। तो ऊपर देखेंगे हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन में, ऊपर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है कि फाइल रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फाइल कुछ इस तरीके से आ गया है, यहाँ पे इनबाउंड ट्रांसफर। ठीक है, 10:21 AM पर, और यहाँ पर फाइल का नाम आ गया है, यानी फोटो का जो हमारा नाम था वो आ गया है, रेडमी नोट 10 लाइट फोटो से ये फोटो रिसीव हुआ है। कितने साइज का ये फोटो वो भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि 229.32 KB। अब इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये फोटो जो है इस तरीके से ओपन होगा। ओपन विद किस पे ओपन करना चाहते हैं तो तीन ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पर गैलरी वाला जो ऐप है, गैलरी वाले पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटो है वो गैलरी में आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, हमने ये फोटो उस मोबाइल फोन से इसमें मंगाया, हम चाहे तो इसी को फिर उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से ब्लूटूथ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि सैमसंग टैब से अब दोबारा हम रेडमी में जो है फोटो को ट्रांसफर करेंगे। अब यहां